10 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर रविवार अवकाश के दिन अध्यापकों ने मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। अध्यापकों संवर्ग ने पुरानी पेंशन लागू करने जैसी मांगों को मनवाने के लिए बड़ी संख्या में जिला पंचायत परिसर में इकट्ठा हुआ। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2006 से 2009 में नियुक्त अध्यापक शिक्षकों की प्रथम क्रमोन्नति, वेतनमान, समयमान, वेतनमान के आदेश जारी किए जाए, वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त होने पर अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी पुराने शिक्षक संवर्ग की भांति ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रांतीय अध्यक्ष भाई भरत पटेल जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और अध्यापक शिक्षक संवर्ग की अन्य मांगों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत आज खरगोन जिले में भी शिक्षकों ने भारी तादाद में रैली निकालकर अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया। अच्छा, इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी हमको लगभग 190 विधायकों और सांसद महोदयों का समर्थन मिला है और उसके बाद भी हमारी मांग मंजूर नहीं होती है पुरानी पेंशन की, तो आगामी 14 अप्रैल को हम भोपाल में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और लाखों अध्यापक जुटेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश चौधरी, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।